फेमस सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया बुधवार रात मथुरा आए। अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के प्रमोशन के लिए छाता स्थित संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे हिमेश ने मीडिया से बातचीत की और स्टेज शो भी किया। ओ जाने जाना और तेरा 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 सुरूर जैसे गाने गाकर उन्होंने छात्र छात्राओं को झूमने को मजबूर कर दिया। संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचने से पूर्व हिमेश रेशमिया ने वृंदावन पहुंचकर बिहारी जी के दर्शन किए और उनसे अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। वहां से आने के बाद हिमेश सीधे मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने फिल्म पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये फिल्म 3 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। उन्होंने सभी से फिल्म को देखने की अपील की। Thank you so much. Thank you. Thank you. So before starting, I would like to introduce, I would like to give introduction of Hemesh Rishamya ji, the man with 115 films and 700 blockbuster songs, unprecedented live shows and performances worldwide. हिमेश रेशमिया सर से ही उनकी मूवी के बारे में कुछ जानते हैं। उनका जो सॉन्ग है आप लोगों ने सबने सुना होगा, वो मूवी आने से पहले ही बहुत फेमस हो चुका है एंड इट हैज गेन वेरी नाइस पॉपुलैरिटी। यहाँ पर बुलाया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एंड एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग है, वेरी हैप्पी फील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पिक्चर का जो प्रमोशंस है वो इस तरह से इतनी ब्यूटीफुल जगह आकर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तेरी मेरी कहानी तो आप लोगों ने ग्लोबल हिट बना ही दिया है ऑलरेडी। आशिकी में तेरी भी हैप्पी आर्डी ही बेसिकली फिल्म 3 जनवरी को रिलीज होने वाली है और ट्रेलर आने से पहले ही आप लोगों ने इसके म्यूजिक को जो पॉपुलैरिटी दी है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब ट्रेलर आने वाला है बच्चे का बहुत जल्दी, उससे पहले ये प्रमोशनल कॉन्सर्ट्स हम कर रहे हैं और अगले महीने प्रमोशन और होगा और फिर 3 जनवरी को पिक्चर आएगी। एक लव स्टोरी है, एक पारिवारिक पिक्चर है और बहुत ही ब्यूटिफुल सेंसिटिव लव स्टोरी है। हरप्रीत सिंह लांबा यानी कि हैप्पी सिंह, हर्षवर्धन भट्ट यानी कि हार्डी और हीर रंधावा यानी कि हीर, ये तीनों कैरेक्टर्स की लव स्टोरी है। मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैंने डबल रोल किया है, मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर और मेरी कई फिल्मों ने म्यूजिक और बिजनेस अच्छा किया है। बट एक म्यूजिक में इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद एज एन एक्टर जो गेम चेंजर हर एक्टर तलाश में होता है, वो एक फ्राइडे की तलाश मुझे इस फिल्म से है। जैसे जंजीर में अमिताभ बच्चन साहब को थी,
ऐसे शाहिद को कबीर सिंह ने दी। मैं इनके एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वो उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर पहले भी की थी, लेकिन एक गेम चेंजर फ्राइडे जो होता है वो एक एक्टर की तलाश होती है, और मुझे हैप्पी हार्डी हीर से यही उम्मीद है बिकॉज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं कि जहाँ से एक सिंपल गुजराती परिवार से आकर जो म्यूजिक में पॉपुलैरिटी मिली है, जो एज एन एक्टर मैंने अपने आप को प्रूव करने की पूरी तरह कोशिश की है, वर्कशॉप्स की हैं, नाटक की तरह एक वर्ड याद करके परफॉर्मेंस में ढालने की कोशिश की और अपने लुक पे भी जो मेहनत की है उससे कम्प्लीटली एक वेल डिजर्व मैं अप्रिसिएशन चाहूँगा। तो मैं बस आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आप लोग ये पिक्चर देखें और अपना अपनी राय दें। मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है हैप्पी हार्डी और हीर के बीच में, और तेरी मेरी कहानी एक बहुत बड़ी कड़ी है इस फिल्म की, आशिकी में तेरी बहुत बड़ी कड़ी है, हीर ये जो गाना भी अरिजीत सिंह ने गाया है बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो यही इसकी खासियत है कि बहुत टाइम से लव स्टोरीज नहीं आई है, जैसे पहले आशिकी आई थी दिल के बाद बनी साजन, तो एक ट्राइंगल लव स्टोरी है। और 90s में पहले ऐसा होता था कि म्यूज़िक पहले आता था ट्रेलर बाद में, अभी तो ट्रेलर आता है फिर म्यूज़िक रिलीज के बाद कभी होता है कभी रिक्रिएट हो जाता है, लेकिन हमने हमारी प्रोड्यूसर जो है दीपशिखा देशमुख जी उन्होंने और हमारे म्यूज़िक कंपनी जो थी टिप्स की कुमार परानी रमेश परानी जी ने हमने ये फैसला किया कि हम म्यूज़िक पहले लाएंगे बिकॉज एक लव स्टोरी के लिए कनेक्ट करने के लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जब म्यूज़िक कनेक्ट कर गया है अब हम ट्रेलर ला रहे हैं, तो काफ़ी रिस्की था म्यूज़िक को पहले लाना ट्रेलर के बिना जब ऐसा दौर चल रहा है कि ट्रेलर पहले आता है। तो आप लोगों की दुआ से वो म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ और आप ट्रेलर हम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लाएंगे। पूरा प्यार दीजिए और 3 जनवरी को पिक्चर आ रही है। सो वी वर्क्ड हार्ड एंड इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म, बहुत भव्य फिल्म है, स्कॉटलैंड में शूट हुई है, बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छी गुड लुकिंग फिल्म ही साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं पिक्चर में लव स्टोरी के बहुत अच्छी। दिनेश जी आपकी फिल्म तब आ रही है जब कंटेंट बेस्ड सिनेमा का दौर है, बाला जैसी फिल्में हिट होती है उस समय आप 90s की फिल्म आ रहे हैं, कितने आप देखिए मेरे लिए ये था कि कॉन्सेप्ट वाली फिल्में जो थी वो अगर आयुष्मान खुराना के साथ आती है तो उसके साथ आपकी उम्मीद होती है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म की। जब आप एक हिमेश रेशमिया को एज एन एक्टर देखते हो तो पहले आप एक म्यूजिकल फिल्म एक्सपेक्ट करते हैं, तो म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी था। और बहुत दिनों से एक लव स्टोरी जो सिंपल हो लेकिन फ्रेंड जोन, इसकी बेसिक कहानी ये है कि फ्रेंड जोन आप इतना कॉमन टॉपिक है लेकिन कभी किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया कि हमारी बेस्ट फ्रेंड जो होती है वो हमें आप उनसे मोहब्बत करते हैं, जैसे हरप्रीत सिंह लांबा प्यार करता है हीर से लेकिन हीर उसे एक फ्रेंड जोन कर चुकी है, तो मेरे दोस्त हो लेकिन पति नहीं बन सकते या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, और उसको हार्डी से मोहब्बत होती है, और हार्डी से मोहब्बत होने के बाद क्या वो फ्रेंड जोन वाले हमारे हैप्पी सिंह के पास जाती है या आगे बढ़ जाती है और हैप्पी को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक लव स्टोरी ऐसी बननी चाहिए जो पहले जो सेंसिटिव लव स्टोरीज आती थी उसके लिए सुपर हिट म्यूजिक होना ज़रूरी है। तो आजकल ज़्यादातर रिक्रिएट गाने आते हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल गाने थे, तो वो गाने और ये कॉन्टेंट जो बना स्टोरी का उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये दौर में वो घुमाव लव स्टोरी का भी बहुत कर सकता है। जैसे अगर आपने सही सवाल पूछा कि इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड में लव स्टोरी क्यों, तो मैं यही कहूँगा कि जब तेरे नाम का अभी मैंने गाने किए थे तो फुल ऑन मैंने ही क्लब के गाने डेविड धवन जी के साथ बहुत किए थे, दुल्हन हम ले जाएंगे और धमाल पार्टी में बजने मेरे सारे गाने चलते थे, और लोग कहते थे कि इतने मॉडर्न गाने क्लब सॉन्ग्स आजकल आ रहे हैं आप ये इंडियन ढोलक को वापस कहाँ क्यों ला रहे हो। तो तेरे नाम को लाते वक्त हमें उस वक्त ये लगा कि यार ये म्यूज़िक अभी सुनने में नहीं आ रहा है लेकिन हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति और हिंदुस्तानी इंडियन म्यूज़िक आएगा तो अच्छा लगेगा। सेम चीज़ कॉन्सेप्ट में सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन मेरे साथ आपका सुरूर एल्बम में एक रोमांस बहुत एक्सेप्ट हुआ था एज अ लवर एज अ कैरेक्टर, बट उसके बाद मैंने हमेशा थ्रिलर की जिसमें बिजनेस अच्छा हुआ एक्सपोज अच्छी राइट रिव्यूज भी आप लोगों को अच्छे मिले तो आप सीक्वल बनने जाते हैं, लेकिन थ्रिलर्स थी एक लव स्टोरी प्योर जो आपका सुरूर एल्बम में जो एक फील थी नमस्ते लंदन में जो मैंने म्यूजिक दिया था फील थी, जो तेरे नाम में फील थी, जो आशिकी में फील थी, वैसी लव स्टोरी करने का मेरे दिल में बहुत दिन से दिनों से मेरी बात थी और अगेंस्ट द टाइड हमेशा मैंने किया है। जब तेरे नाम जैसा म्यूजिक बहुत आने लगा तो लोगों ने कहा कि अब तेरे नाम जैसा आना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल हाई पिच में आशिक बनाया कर दिया, तो जो दौर के बिल्कुल उल्टा चलना
तो मैंने वैसे भी कोशिश हमेशा की है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रूफ ये है कि रानी मंडल जी को जब हमने तेरी मेरी कहानी दिया तो लता जी टाइप का आलाप कि कलाश मुझे तेरी मेरी कहानी तुमने फिल्म में शूट करी है, उसने गाना भी कर दिया था, मेरी आवाज़ हो भी गई थी, लेकिन एक लता जी टाइप का आलाप मुझे चाहिए था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा क्योंकि इस टाइप के जो प्योर मेलेडियस राग रागिनी वाले जो आलाप होते हैं वो तो अभी बहुत डेटेड लगेंगे, बहुत पुराने लगेंगे, तो वो आवाज़ उतनी फ्रेश होके इतनी वायरल हो गई। बट तो लता जी ने उस पर ये कहा था कि ये आपने शायद सुना होगा, उन्होंने मालूम पड़ा कि रानू मंडल से कि उनको अपनी आवाज में गाना चाहिए। जी जी जी। आपने लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए आज कहीं ना कहीं लता जी इतनी बड़ी लेजेंड है कि उनका जो उनकी इंस्पिरेशन तो कोई भी लेगा, जैसे आज बच्चन साहब अगर परफॉर्म करेंगे तो उनका इंस्पिरेशन कोई भी एक्टर लेगा, जो हर एक्टर कहता ही है। तो लता जी से इंस्पायर होकर अलका जी ने भी काम किया और उसके बाद आज की श्रेया घोषाल ने भी किया और पलक मुच्छल नई सिंगर ने भी किया। तो हम सब जब गाने इनके साथ रिकॉर्ड करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई आप लता जी को फॉलो करो। तो अगर रानू जी ने लता को फॉलो किया है लता जी को तो उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। जी रमेश भाई, पहले तो राधे राधे, गुड इवनिंग। राधे राधे। दूसरी बात ये है कि एक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर को लेकर के जब हम बात करें तो आपकी सक्सेस को तो ये है कि सूरज को आईना दिखाने जैसा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या ये एक आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं मैं पूरा एक परफेक्ट कंटेंट बनूं मैं? लेकिन मुझे लगता है कि किशोर दा एक कंप्लीट एक्टर थे। मुझे लग रहा है कि मैंने करते करते सीखना शुरू किया। मैं बॉर्न तो कोई परफॉर्मर नहीं था, म्यूजिक भी मैंने अपने पिताजी से सीखा, उसी तरह सिंगिंग भी मैंने अपने पिताजी से सीखी, इंटरनेशनल एल्बम्स देखे। तो जब मैं नेजल सिंगिंग को इंडिया में लाया तो लोगों को पहले लगा, लेकिन उसके बाद आशिक बनाया जब हिट हुआ तो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, तो अब नेजल सिंगिंग बहुत लोग करते हैं। उसी तरह एज एन एक्टर ये जो प्रथा मैंने शुरू की कि कंपोजर सिंगर भी एक्टर बन सकता है, मेरी 10वीं फिल्म है क्योंकि एक बिजनेस होता है, लेकिन एज अ परफॉर्मर जो मुझे जिस लेवल का अप्रिसिएशन की तलाश है उसके लिए मुझे अपने आप पर 2 साल बहुत काम करना पड़ा। एज माई जो आप ट्रांसफॉर्मेशन लुक में तो देखी है, फिटनेस पर भी, और एज अ स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट को पहले नाटक की तरह रटना, उसके बाद एक ट्रेनिंग टीचर के साथ वर्कशॉप्स करना और हैप्पी के कैरेक्टर को बिल्कुल कैरेक्टर बन के करना, हिमेश बन के नहीं, और हार्डी के कैरेक्टर को भी बिल्कुल, जहाँ मैं एक गुजराती का रोल प्ले कर रहा हूँ हर्षवर्धन भट्ट का और हैप्पी में एक सरदार का, तो उन कैरेक्टर्स को फील करके उनके नुएंसेस में पढ़ना मेरे लिए ये था कि उसमें पूरी तरह उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वही मेहनत हमने इस कैरेक्टर में की है। और जुनून तो यस डेफिनेटली कि आई वांट दैट गेम चेंजर फ्राइडे जो अमित जी का भी लगा था जंजीर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई ये पिक्चर से आप लोगों को वो अच्छा लगे एज एन एक्टर एंड फिल्म भी बहुत पसंद। शोमैन के तौर पर सुभाष घई साहब थे, तो सुभाष घई साहब हमेशा फ्रेश फेस लाने के लिए मशहूर रहे। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे उनके मम्मी पापा का बैकग्राउंड है, तो उन लोगों को आने पे भी उनकी सक्सेस की गारंटी कई बार नहीं रहती। आपको लगता है कि तब, जबकि इससे पहले आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है ना इंडस्ट्री में ना इस कंट्री में, तो आपको लगता है कि ये चीज आपको एक अच्छा सपोर्ट देगी कि हिमेश की फिल्म आ रही है, लेट्स गो? देखिए हिमेश की फिल्म से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फिल्म का जो फील होता है ट्रेलर से, शॉट्स से, विजुअल्स से, म्यूजिक से, वो ही ऑडियंस आजकल पकड़ती है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि इसमें बड़ी से बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म कभी नहीं चलती और छोटी से छोटी स्टारकास्ट वाली अगर ट्रेलर वर्क करता है तो जो फील हैप्पी आर्मी हीर की ओवरऑल बन चुकी है वर्ल्ड वाइड, सब जगह इसकी अवेयरनेस अच्छी है, और अभी ट्रेलर जब आएगा तो उसमें वो जो फ्रेंड जोन का जो पॉइंट है लव स्टोरी का, वो एक नई बात है। और मुझे लग रहा है कि मेरी जो फिल्में में जो आपको एज एन एक्टर मेरा इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो 1 to 100 मिलेगा इस फिल्म में, वो आप ट्रेलर से ही आपको अंदाजा जाएगा, फिल्म देखने के बाद तो बिल्कुल भी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कहानी, साफ सुथरी कहानी, लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव कहानी, अच्छे म्यूजिक के साथ, एक लव स्टोरी जोन में, जो अब मैं रिसेंटली देख ही नहीं रहा हूँ कि कोई आए, वो आ सकती है और इसमें वही सक्सेस आ सकती है जो तेरे नाम में। ऑल्दो आज आप प्रमोशन के लिए है, कंसर्ट के लिए है, बेसिकली हम लोग हैप्पी हार्डी हीर पे ही बात कर रहे हैं, बट चूंकि आप एक बहुत बड़े सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं, तो किस तरफ जा रही है ये वाली दुनिया? और अब लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में आप जैसे लोगों ने एकदम कहीं से भी किसी को पिकअप किया और उसे एक ड्यू टू उसकी जो खासियत है, उसके अंदर ईश्वर ने जो दिया है, उसकी वजह से उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सोशल मीडिया जो आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है उसकी वजह से एक्सेस बहुत ईजी है। जैसे अभी आपके पास आज कोई कम्प्लीट ब्लॉकबस्टर हिट गाना है
पहले होता तो शायद पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आज आपके पास है तो आप मुझे किसी भी तरह पहुंचा सकते हैं, या म्यूजिक कंपनी को या किसी भी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो पहुंचना बड़ी बात नहीं उनके व्हाट्सएप पे या कहीं पे, क्योंकि ये मेरा गाना है, लेकिन उतनी तैयारी के साथ अगर वो कम्प्लीट है और वो अच्छा है तो सामने वाला ज़रूर ले लेगा। लेकिन उसके बाद कॉम्पिटिशन बहुत है, सस्टेन करने का प्रॉब्लम बहुत बड़ा आया है लोगों को, तो ब्रेक मिलना डिफिकल्ट नहीं है, ब्रेक के बाद सस्टेन करना मुश्किल है। पहले ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था, सस्टेन करना डिफिकल्ट था, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज एक बार आपका ब्रांड बन जाता था, तो जैसे अभी हमने अगर पहले कुछ 10-12 हिट दे दी थी तो उसके बाद 20-30-40 फिल्में हमको मिलती थी और हमको उसमें फिर अपना काम अच्छा करना था। अदरवाइज कभी कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं करो कभी भी आप टिक सकते हो, लेकिन अभी तो ये है कि अगर आपने 2-3 फिल्मों में भी अगर अच्छा काम नहीं किया तो बहुत जल्दी शॉर्ट लिफ्ट हो जाता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन होता है। सर हिमेश जी, आप एक पार्किंग है, आपका जो टीयर आया है अब तक इंडिया का सबसे बड़ा टीयर माना जा रहा है, और उससे पहले सुबित मूवी आई थी, उसके बाद आपका नंबर 2 आया था, तो ये क्या सर प्री प्लान था या आपने कुछ ऐसा सोच के किया था कि हमें नंबर 1 पे आना है सेकंड पे? किस पे टीजर एक? हाँ सर, नहीं मेरा तो कोई मैंने इंडिया की सबसे बड़ा टीजर है अब तक। टीजर तो ऐसा था कि मेरा एक्चुअली हमने पिक्चर के बारे में कुछ बताया नहीं, उसमें गाना ही है, तो हमें यही था कि ट्रेलर ना ला के अगर हमें टीजर लाना है, और म्यूजिकल टीजर था, टीजर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि सिर्फ उसमें गाने थे और इसके बाद हमने गाने ही दिखाए, अब तक ट्रेलर आया भी नहीं है, तो गाने हमें पहले पॉपुलर करने थे रिलीज से पहले, जो पहले होता था गुलशन जी के ज़माने में, जब दिल के मानता नहीं, साजन वानी, सबसे म्यूजिक पहले आता था, पॉपुलर होता था, कनेक्ट होता था, लव स्टोरी, तो हमने वही प्लान किया, उसमें बहुत पॉपुलर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन पे भी, नाटक की तरह पहले तो स्क्रिप्ट को याद किया, ताकि पहले डायलॉग्स में कॉन्सेंट्रेशन ना हो, कैरेक्टर्स आप बिल्कुल फील करो, फिर उसके नुएंसेस पे वर्कशॉप्स में। सर आप मथुरा आए हैं, यहाँ में बहुत सारा टैलेंट है, यहाँ के टैलेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? मेरा तो सिंपल है कि आप मेरे जो मैनेजर हैं प्रकाश, या तो जो हमारे मेल आईडी है, या तो हमारे म्यूजिक कंपनी, पहले बहुत सारे कहीं ना कहीं देखिए आप ऑफिशियली मुझ तक वो गाना भेज रहा तो कोई इश्यू ही नहीं है, और मैं जूल्स ऑफ इंडिया नाम का एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा हूँ जिसके लिए जूल्स ऑफ इंडिया मैंने 700 नए गाने बनाए हैं, और वो 700 नए गाने, जैसे मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि अगर आप म्यूजिक में आ रहे हैं तो पहले तो स्टॉक लेकर आइए, 1-2-3 गाने नहीं होने चाहिए। तो मैं जब आया था तब बच्चा था, जब 16 साल की उम्र में सलमान भाई ने मुझे जब भेज दिया तब मैंने 350 गाने लाए था, फिर वो खर्च हुए, यूज़ हो गए, फिर और 350 बनाए, फिर अब वो सारे हिट हो गए, अब नए 4 साल में मैंने 700 गाने बनाए हैं, जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के जरिए अनाउंस होगा अगले दिवाली तक, वो बहुत बड़ी तरीके से आएगा, जिसमें हर सिंगर के साथ एक गाना होगा और बहुत बड़े पैमाने पर म्यूजिक इंजीनियर को। तो वो प्रोजेक्ट क्या है जूल्स ऑफ इंडिया, वो अनाउंस होगा अगले साल, तब मैं बताऊंगा। जरूर जरूर, और आप तो जानते ही हैं कि दर्शन रावल को भी हमने इंट्रोड्यूस किया खींच मेरी फोटो में, और अमन त्रिका को गोगो गोविंदा में, आकाशा को खींच मेरी फोटो, मोहम्मद इरफान दर्द कम हो जाते, विनीत को, और मैं तो नए जितने भी हो अगर अच्छी आवाज़ है और मेरी कंपोजिशन को सूट करो, कितनी बार क्या होता है कि आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उस वक्त उस आवाज़ को हिट करने के लिए कंपोजिशन चाहिए, अगर वो आपका कंपोजिशन रामू मंडल के लिए करे उस गाने के साथ बैठता हुआ नहीं होता तो उनकी आवाज़, क्योंकि मैं ऑलवेज रियलिटी शो पे भी आप लोग देखते हैं कि क्या बहस हो जाती है कभी, तो मेरा ऑलवेज ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी ज़रूरत है, क्योंकि हम जगजीत सिंह को कहते ही नहीं हमारी जिंदगी तरफ, हम कभी किशोरदा को कहते ही नहीं कि आपने रैप क्यों नहीं किया, तो हम हर सिंगर को रियलिटी शो पे क्यों कहते हैं कि तुम ऐसे भी गाओ उनकी तरह भी गाओ, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी और वो कंपोजिशन बैठेगा तो सुपर हिट हो जाएगा। जरूर सर, जब मौका मिलेगा, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ओवरऑल इंसान जितना बेस्ट लोगों के लिए कुछ भी कर सके, क्योंकि मैं भी नया था और आप लोगों ने मीडिया ने इतना सपोर्ट दिया और मुझे आगे लेके गए, सलमान भाई ने ब्रेक दिया, तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक टाइम है, और सलीम अंकल से तो हमने यही बात सीखी है, उन्होंने कितने लोगों को ब्रेक दिया है, तो देना ही चाहिए जहाँ पे बैठने वाली चीज़ जिससे उनको भी फायदा हो, काम करना। अभी तो फिलहाल कोई सब्जेक्ट पे काम चल रहा है जहाँ पर मैंने यूपी बेस्ड कभी भी कोई कैरेक्टर नहीं किया और यूपी बेस्ड फिल्म नहीं की, तो वो 100%
दिल है कि मैं यूपी बेस में कोई ना कोई वो करूँ, और बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ पर मथुरा में आके। और आप भगवान को बहुत मानते हैं, तो भगवान को लेकर कुछ ना कुछ करने का मन होगा? जी सर, मैं भगवान को बहुत मानते हैं। हाँ, मैं तो मानता ही हूँ, श्रीनाथ जी मंदिर भी जाता हूँ, आज यहाँ नाथद्वारा भी उदयपुर भी जाता हूँ, यहाँ पर आज मौका मिला बांके बिहारी। आज बांके बिहारी के दर्शन करके कैसा महसूस हुआ? इतना सारा अच्छा लगा यार, जैसे मैंने अभी सर को भी यही बात कही कि मैं जब आ रहा था तो मुझे एक अलग ऐसी फीलिंग आई है, वो वाइब्रेशन और वो फीलिंग का मैं लफ्जों में नहीं बयां कर सकता, लेकिन आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ वो महसूस हो रहा होगा कि वो एक अलग दिव्यता है। एक प्रश्न हमारा कि क्या वजह है कि आप जैसे कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ अभी, मतलब जो भी होते हैं वो हिट लोगों को लेते हैं, मैं तो सर, लेकिन आप नए लोगों को चांस देते हैं? नहीं, मैं तो सर, मैं नए या पुराने की बात नहीं है, मैं तो अभी अरिजीत सिंह हेरी के लिए बहुत अच्छे तो उनको लिया है, पलक को फिर रतन धन पायो में इंट्रोड्यूस करना था, कब इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे ये लग रहा है कि उस गाने की कंपोजिशन के साथ जस्टिस करना चाहिए, ब्रांड, सिर्फ ब्रांड की वजह से आप लोगों को गाना नहीं चलेगा। और मेरा माइंडसेट यही होता है, जो मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक कंपनीज को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काम इवेंचुअली जब 3 साल बाद हमारा गाना हिट हो, इंस्टेंट की जगह पे कोई ऐसी चीज हो जो कॉम्पोजिशन वाइज सिंगर होगा तो वो नया हो या पुराना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात और कहना चाहेंगे आपसे हम कि कई बार उपलब्धियां मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है जीवन में, लेकिन कुछ खो भी जाता है। हाँ। और कुछ खो भी जाता है जीवन के सफर में जी। तो आपके जो सॉन्ग्स हैं जी सर, और विशेष तौर पर जो सूफियाना सॉन्ग्स हैं उनमें जो दर्द झलकता है जी सर, वो क्यों झलकता है? क्या मुझे लगता है कि मैं जब कंपोजिशन करता हूँ तो सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर मैं मेन चीज ये देखता हूँ कि मैं रोमांटिक गाने ज्यादा बनाता हूँ, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लवर कि भाई अगर ये मोहब्बत का हादसा जो भी मैं उस गाने में कहना चाहता हूँ अगर मेरे साथ हुआ है तो आप उस वक्त उस किरदार में जब वो दर्द को महसूस करते हैं और वो नोट्स सरस्वती माता को याद करते हैं और कॉम्पोजिशन करते हैं तो अंदर से वो किरदार के रूप में वो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एक भाई जो आज जिस दुनिया में नहीं है कहीं ना कहीं उनको याद शुरुआती है, क्योंकि मेरे भाई जब मैं तो 11-12 साल का था तब गुजर गए, तो उसके बाद जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि भाई 13 साल का था मैं, अभी मैं आपके साथ हूँ और अभी हमें कुछ करना है, तो वो भी गले लगकर एक इमोशनल मोमेंट था। और उसके बाद फिर मैंने जो भी म्यूजिक सीखा उनसे, राग रागिनी सीखे, और उनसे एक चीज सीखी कि प्योर राग को सिंप्लीफाई करके आम आदमी के लिए म्यूजिक बनाऊँ, लेकिन राग बेस्ड मेलेडीज क्या होती है, हमारे नोट्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कर दो और उसको पक्की बंदिश में गाने बनाओ, चाहे क्लब ट्रैक्स हो, और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, लेकिन बेसिक बंदिश जो है वो पक्की राग। बस आखिर में एक प्रश्न कि आप देश की जवान धड़कनों पर राज करते थे, एक दौर ऐसा होता था 2000 से 2010 के मध्य का, और क्या वो दौर अब कभी दोबारा से आता है? मेरा तो मैं कंटिन्यूसली काम कर ही रहा हूँ और हर साल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 हिट 3 हिट 4 हिट लगे। अब उस वक्त 50 गाने एक ही साल में हिट थे और 20-30 फिल्में मैं कर रहा था, वो तो अभी आज कोई भी एक्टर्स भी आप देख रहे हैं, आमिर खान साहब हैं, तो वो पहले 7 पिक्चर करते थे, अब 2-3 साल में 1 पिक्चर, 2-3 साल में 1 पिक्चर, तो कहीं ना कहीं जब आपको इतनी कामयाबी मिल जाती है उसके बाद एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप उतना काम ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप उतना काम करोगे तो आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप एक जब आप इनिशियली आज मैं अगर वापस 30 फिल्में 1 साल में कर लूँगा तो इतना ऑलरेडी अटेंशन मिल रहा है, तो आप ही लोग कहोगे कि भाई अभी इसे कम करना चाहिए। तो हर एक्टर हो, ब्रांड हो, मैं फिल्में 1 फिल्म एज एन एक्टर 1 साल में करता हूँ, 2 रियलिटी शोज करता हूँ, लाइव शोज करता हूँ, 2-3 फिल्में म्यूजिक में करता हूँ, 4-5 गाने सिंगिंग में करता हूँ, उससे ज्यादा आप अगर 365 दिन में आते कैसे? सर, में कोई मैसेज आपका यंग जनरेशन के लिए ये है कि पहले आप जो भी हार्डवर्क करते थे वो किसी और पे डिपेंड होते थे अपना हार्डवर्क के बाद कि भाई आप मुझे वो ब्रेक दे। अब एक कंपोजर हो, सिंगर हो, या आपको अपनी दुनिया कंप्लीट तरीके से खुद बनानी पड़ेगी। तो सिंगर्स के लिए तो स्पेशली कहूँगा कि उन्हें कंपोजर भी खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इमिजिएशन में द कंपोजर इमिजिएशन में द सिंगर को गाने नहीं देता
तो वो बनता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इतनी भीड़ हो गई है उसमें अपने लिए वो गाना बनाना ज्यादा जरूरी है। आप मथुरा आए हो सर, ये लॉर्ड कृष्णा जी फेमस है जी सर, आपने बिहारी जी के दर्शन किए जी सर, आपने पीड़ों का टीका किया है अभी मेरी कहानी।